स्टूडेंट, आज हम 7.1 का कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके पहले हम एग्जांपल का कुछ क्वेश्चन बता दिए थे और आज एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। टोटल कंप्लीट ही कर देते हैं आज, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव निकालना क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ये सोचना है कि ये जो होता है डेरिवेटिव किसका होता है, ठीक है। ये डेरिवेटिव किसका होता है, तो होल स्क्वायर है ना, तो क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं तो होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अब इसको तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 3 पावर आ गया। अब पावर में से क्या होगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन में जो x का कॉफिशियंट होता है, ये हम टोटल तोड़ के अच्छा बता, देखिए डी ए एक्स प्लस बी नीचे क्या आएगा, जो जिस चीज़ पे पावर उसको छोड़कर, ठीक है, इसको नीचे लेते हैं, ये फिर ऊपर जाएगा ए एक्स प्लस बी और नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स, 3 ए एक्स प्लस बी और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू ए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 कॉन्स्टेंट का 0, कितना हो जाएगा, 3 ए को आगे लिख देते हैं, 3 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हम अगर हम ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव किए तो ये निकला, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ये निकलेगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्यूब का डेरिवेटिव किए तो स्क्वायर के फॉर्म में निकला, तो स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो ये निकलेगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कर दे, 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि निकालना सिर्फ किसका, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो 3 है यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, 3 ए को इसके नीचे कर देते कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 ए 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन दो फॉर्म में बटा हुआ है, दो फॉर्म में इसको पहले हम बांट देते हैं, ठीक है। साइन 2x और एक हो गया 4 ई टू द पावर 3x, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ ई टू द पावर 3x ले लेते हैं, 4 बाद में हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 2x है तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, पहले ये सोचना है। तो कॉस का होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगर कॉस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं कितना हो, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x और x का कोफिशिएंट 2, इनटू में हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये निकला, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये निकलेगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x इनटू 2 dx। इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस 2x। तो एक्स्ट्रा में यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस और 2, तो माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, साइन 2x dx, ये हो जाएगा कॉस 2x। इसलिए साइन 2x dx का जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा, कॉस 2x बाय कितना, माइनस 2। अब इधर आते हैं ई टू दीवार 3x, तो ये सोचना है किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ई टू दीवार 3x का ही होगा, तो ई टू दीवार 3x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दीवार 3x और x का कोफिशिएंट गुना होगा 3, ठीक है। तो इसका इसका डेरिवेटिव ये निकला, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये निकलेगा, तो ई टू द पावर 3x इंटू 3 का एंटी डेरिवेटिव कितना है, ई टू द पावर 3x। तो 3 इसमें कांस्टेंट, इसको पहले बाहर निकाले क्योंकि हमको यहाँ पे ज़रूरत किसका है, ई टू द पावर 3x का, और एक्स्ट्रा में 4 है तो 4 बाद में गुणा कर देंगे, तो ये 3 हो गया ई टू द पावर 3x इंटू dx, इधर ई टू द पावर 3x, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, ई टू द पावर 3x इंटू dx बराबर कितना, ई टू द पावर 3x बाय कितना, 3। तो हमको इसका क्या निकालना था, एंटी डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना निकला, माइनस कॉस 2x बाय माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस 4, और ई टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना निकला है, ई टू द पावर 3x बाय 3, ठीक है। तो माइनस और माइनस ये कट गया, कितना हो जाएगा, कॉस
टू एक्स बाई टू और ये फोर ई टू द पावर थ्री एक्स बाय थ्री। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन को हम पहले आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू फोर ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। चार कांस्टेंट, चार को हम बाहर लिख दिए, और ई टू द पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू द पावर थ्री एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड, फिर वन के साथ डी एक्स जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी जोड़ देना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, और इसके बाद जो सेवन एट है, ठीक है, आसान सा है, वो बन जाएगा। ठीक है, तो टेन में आते हैं। लेट आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन बाय कितना, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करना है, तोड़ना है। पहले तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी डी एक्स। ये रूट एक्स कट गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, वन का स्क्वायर वन, और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस टू गुना वन, टू हो गया। एक्स का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे कुछ ना, तो पावर कितना है, वन है, तो एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स पर पावर एन प्लस वन मतलब स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, टू, और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन पहले हम बता चुके थे कितना होता है, लॉग मॉड एक्स, टू का टू उतार, और डी एक्स टू के साथ जाएगा, तो टू बार डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और एक कॉन्स्टेंट क्या जोड़ना है, सी। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लीजिए। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाय रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स है। क्वेश्चन को पहले हम आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाय रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये रूट एक्स एक्स क्यूब के साथ भी जाएगा, थ्री एक्स के साथ भी जाएगा, और फोर के साथ भी जाएगा, तो एक्स क्यूब बाय कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस थ्री एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस फोर बाय रूट अंडर एक्स, और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, रूट एक्स मतलब पावर कितना, एक्स पे पावर हाफ होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक्स क्यूब है और रूट एक्स मतलब पावर हाफ। ठीक है, तो दोनों का बेस अगर ए पर पावर एम बाय ए पर पावर एन रहता है तो क्या लिखते हैं, ए पर पावर एम माइनस एन, कहने का मतलब कि अगर बेस बराबर मतलब ए यहाँ भी और ए यहाँ भी, तो ऊपर का पावर में से नीचे का पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ भी वही करना है, तो एक्स लिख के ऊपर का पावर थ्री है और नीचे का पावर हाफ है, घटा देंगे कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर तीन नी छः छः में गया कितना, फाइव बाय टू। ठीक है, एलसीएम कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स पे पावर कितना हो गया, फाइव बाय टू प्लस थ्री। अब यहाँ पे उसी तरीका से ये एक्स है और नीचे एक्स पे कितना पावर है, वन बाय टू है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, अब ऊपर का पावर नीचे का पावर को घटा देंगे तो एक में हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर हाफ प्लस फोर, ये रूट एक्स है, रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, कहने ये फोर बाय रूट अंडर कितना है, एक्स, कहने का फोर रूट अंडर एक्स में एक्स पे पावर हाफ। ठीक, तो फोर रूट अंडर सॉरी एक्स पे पावर हाफ है, उसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर माइनस हाफ, तो फोर एक्स पे पावर कितना हो गया, माइनस हाफ। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, फिर ये थ्री एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, फिर एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, सी। तो एक्स फाइव बाई टू में वन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सेवन बाई टू, और नीचे भी सेवन बाई टू, ये थ्री एक्स वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू फोर एक्स, एक में हाफ घटा देना है तो हाफ हो जाएगा, एक में हाफ घटा देना है यहाँ भी हाफ हो जाएगा, और लास्ट में सी। टू पर जाएगा सेवन नीचे तो कितना हो जाएगा, टू बाई सेवन एक्स पे पावर सेवन बाई टू, दो पर जाएगा तीन नीचे, दो पर जाएगा दो गुना तीन छः, या तीन तीन हम घटा सकते हैं, ये वाला दो पर गया, एक्स पे पावर कितना थ्री बाई टू प्लस दो गुना चार कितना हो जाएगा आठ, एक्स पे पावर वन बाई टू प्लस सी। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन,
क्वेश्चन को हम पहले आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन आर डी डीएक्स। ठीक है, ये देखिए एक्स माइनस वन के साथ भी जाएगा और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी जाएगा जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जाके तो कट जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, तो पहले इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे एक एक्स बचा है और यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा है, और इसमें भी हम कॉमन लेते हैं कुछ नहीं तो क्या है वन है। ठीक है, और यहाँ कितना एक्स माइनस वन, इसके नीचे कितना हो गया एक्स माइनस वन और ये डी एक्स, एक्स माइनस वन इसके साथ भी जाएगा और एक्स माइनस वन इसके साथ भी जाएगा। तो देख लीजिए ये यहाँ कुछ नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्स माइनस वन इसके साथ भेज दिए प्लस एक्स माइनस वन यहाँ पे है ना, इसके नीचे भी कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन और ये डी एक्स, ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पर कितना बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं तो बचा एक बचा, तो एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, फिर यहाँ डी एक्स इसके साथ जाएगा वन के साथ, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और लास्ट में सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन को आई मानते हैं, लेट आई इक्वल टू वन माइनस एक्स रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, रूट अंडर एक्स को वन से गुना करेंगे तो रूट अंडर एक्स, फिर रूट अंडर एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स, रूट अंडर एक्स मतलब एक्स पे पावर हाफ। अब यहाँ पे ये एक्स और एक्स पे पावर है, अपने एक्स है रूट अंडर एक्स है, कहने वाला ये एक्स और रूट अंडर एक्स मतलब एक्स पे पावर हाफ, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर वन है, दोनों का बेस बराबर है, एक्स एक्स बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर प्लस होता है वन प्लस हाफ। ठीक है, कहने वाला ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन रहता तो क्या होता था ए पर पावर एम प्लस एन। ठीक है, उसी तरीका से ये हो गया एक्स पे पावर वन और हाफ में जोड़ेंगे एक और हाफ थ्री बाई टू हो गया, यहाँ पर कितना लिखना एक्स पे पावर थ्री बाई टू और ये डी एक्स, तो एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, फिर एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन और लास्ट में सी। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, वन बाई टू में एक जोड़ें थ्री बाई टू, थ्री बाई टू में वन जोड़ें फाइव बाई टू, थ्री बाई टू में वन जोड़ें फाइव बाई टू और लास्ट में सी। दो ऊपर जाएगा तीन नीचे दो बाई तीन, एक्स पे पावर थ्री बाई टू, फिर दो ऊपर जाएगा पाँच नीचे टू बाई फाइव, एक्स पे पावर फाइव बाई टू और लास्ट में कितना जोड़ देना है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आते हैं, लेट आई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो ये टू है, टू कांस्टेंट बाहर निकालनी है और एक्स पर पावर एन दैट मीन्स एक्स पे पावर टू है, एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, दो में एक जोड़े कितना थ्री बाय थ्री थ्री, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव, और रूट अंडर एक्स करने का मतलब क्या हो गया एक्स पे कितना पावर है पाँच को बाहर निकाल लिया, रूट एक्स मतलब क्या एक्स पे कितना पावर हाफ और ये डी एक्स, टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन और लास्ट में कितना जोड़ देना है सी। तो टू बाई थ्री एक्स क्यूब थ्री कॉस एक्स प्लस वन बाई टू में वन जोड़े थ्री बाई टू, वन बाई टू में वन जोड़े थ्री बाई टू प्लस सी, ये हो गया टू बाई थ्री एक्स क्यूब थ्री कॉस एक्स सॉरी प्लस थ्री कॉस एक्स और ये दो ऊपर गया दो गुना पाँच दस बाय तीन और एक्स पे पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन को आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू पूरे क्वेश्चन को आई, ठीक है अब गुना करते हैं सेक गुना सेक कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक को टेन से गुना करते कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और लास्ट में क्या जोड़ देना है सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन को आई मानते लेट
आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। सेक को हम वन बाय कॉस लिख सकते हैं, सेक को वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाय कॉस एक, कॉस एक को वन बाय साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कितना हो गया वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और गुना करेंगे तो साइन ऊपर और वन नीचे, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और वन नीचे, और ये डी एक्स हो गया, तो साइन स्क्वायर गुना वन, साइन स्क्वायर यह सीधा जानते हैं साइन बाय कॉस कितना होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स होता तो क्लास टेन का ये फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना वन। तो इससे अगर सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स को इधर प्लस वन को इधर ले आएँ, माइनस वन और माइनस टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेजें प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है उसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। आखिर क्यों बैठाएं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर पता नहीं है, अगर सॉरी मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर पता नहीं है तो सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है हमको, और वन के साथ मतलब वन के साथ क्या आ जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इसलिए टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये बहुत जगह अप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स, और ये डी एक्स वन के साथ जाएगा, वन के साथ डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और लास्ट में क्या जोड़ देना है सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन को आई मानते लेट आई इक्वल टू टू माइनस थ्री साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, तो टू के साथ क्या आ जाएगा कॉस, तो टू बाय कितना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, और इसके नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, तो कॉस ऊपर वन बाय कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस थ्री, एक साइन ऊपर है और दो कॉस नीचे है, तो ऐसा करते हैं एक साइन के नीचे एक कॉस भेजते हैं, अभी भी एक कॉस रह गया, तो जो कॉस रहा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अब ऊपर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे वन और ये डी एक्स, तो टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन बाय कॉस टेन एक्स होता और वन बाय कॉस सेक होता है डी एक्स, टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स थ्री का थ्री सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहें या टेन एक्स इंटू सेक एक्स कहें का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स होता है लास्ट में सी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, चार ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो रूट अंडर एक्स प्लस वन बाय रूट अंडर एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, रूट एक्स मतलब क्या एक्स पे कितना पावर हाफ, रूट एक्स मतलब एक्स पे कितना पावर हाफ, एक्स पे पावर ये हाफ है, ठीक, और एक्स पे पावर हाफ ऊपर जाएगा तो एक्स पे कितना पावर हो जाएगा माइनस हाफ और ये डी एक्स, एक्स पे पावर हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस वन थ्री बाई टू हाफ का इंटीग्रेशन सॉरी एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन थ्री बाई टू और यहाँ भी कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन मतलब हाफ में एक जोड़ेंगे माइनस हाफ में एक अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हाफ, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं वन बाई टू माइनस हाफ में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वन बाई टू प्लस कितना सी, दो को ऊपर लिख देते हैं तीन को नीचे टू बाई थ्री एक्स पे पावर थ्री बाई टू फिर ये टू ऊपर एक्स पे पावर वन बाय टू प्लस सी, ठीक है, तो इस तरीका से ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है टू बाई थ्री एक्स पे पावर थ्री बाई टू तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके थे, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, और इसके बाद हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन केसी सिन्हा का या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉरी एनसीईआरटी मिसलिनियस चैप्टर का देते वो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, फिर 7.2 उसके बाद।